दोस्तों आज की कहानी है माजी। हम सिर्फ आपको यहाँ से लेकर जा रहे, कबाड़े को नहीं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। विक्रम माँ को तो लेने सज रहे हैं, मगर मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरे इस घर में गांव की कोई चीज नहीं आएगी। अरे यार तुम समझते क्यों नहीं हो, माँ जैसा सहेगी वैसा ही होगा, ऐसे कैसे होगा, मैं इस घर की मालकिन हूँ। वो यहाँ रहने आ रही हैं, तुमने हमारे हिसाब किताब से चलना होगा। और अब उनकी उम्र हो गई है, तो जितना सुख बैठेगी उतना ही अच्छा होगा। नीता ने ढूंढते हुए कहा, नीता तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्टिंग कर रही हो। पहले हम वहाँ पहुँच जाए, फिर मैं कोशिश करूँगा कि माँ कम से कम अपना सामान लेकर आए। कार की स्पीड बढ़ाते हुए विक्रम बोला, जैसे जैसे शहर की हद खत्म हो रही थी, वही गांव की गलियां आज भी बिल्कुल वैसी थी जैसे वह छोड़कर गया था। पंख डंडी के आसपास वही ले रहते खेल खलियान, मिट्टी के साथ आती गोबर की खुशबू, गाय भैंसों के गले में बजते हुए घंटी की आवाज, दीवारों पर सापे गए कंडे जैसे की गई हो कोई सजावट, इमली जामुन के पेड़ों के पास उछलते कूदते बच्चे, आम के पेड़ों पर डले झूला जो ज्यादा नहीं है टाई रस्सी से बंधा, उस पर झूल कर मिलने वाली संतुष्टि और मजा, हजारों रुपयों की शहरी झूलों में भी ना था। विक्रम इन्हें देख धीरे धीरे खोसा गया। उसके पिता मोंजी सरकारी हेड मास्टर माँ राधिका ग्रहणी थी, साथ में पुरखों की जमीन भी बहुत थी, जा खेती बाड़ी भी खूब होती। धन धान्य से सपन होने के कारण मोइन जी ने अपने बेटे विक्रम को 8वीं से ही शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिया। वे चाहते थे बेटा गांव से निकलकर शहर में तरक्की करे। विक्रम भी पढ़ने में बहुत होशियार था, उसने अपने पिताजी का हर सपना पूरा किया, मगर अब शहरी समक दमक में खोने लगा, जिसके चलते गांव कभी कभी ही आता। उसके बाद उसने अपनी पसंद की लड़की नीता से विवाह कर लिया, तो पिछले 16 सालों में 2000 बार नाम रखने के लिए ही वे दोनों गांव आए, क्योंकि गांव में ना सारा समय बिजली पानी, ना सड़कें, ना ही शहरी व्यवस्था रहती। रिटायरमेंट के बाद भी बाबूजी गांव में ही रहकर खेती बाड़ी और समाज सेवा करते। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई और रात में जो सोए तो उठे ही नहीं, माँ को अकेले रहते काफी दिन हो गए, इसलिए विक्रम ने सोचा वो उन्हें अपने साथ ही रखा जाए ताकि उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। पहले तो राधिका जी ने कहा, तेरे बाबूजी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती, उनके बिना मेरा दिल नहीं लगेगा, वे मुझे छोड़कर चले जरूर गए हैं, मगर उनका एहसास घर के हर कोने में बसा जिसे छोड़कर जाना मुमकिन नहीं। तो विक्रम बोला, माँ बाप की भी उम्र हो सली है, या अकेले रहना आपके लिए ठीक नहीं, कल आपको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ी तो मैं दिल्ली से अचानक आपके पास नहीं पहुंच पाऊंगा, आप बात को समझिए और हमारे साथ दिल्ली चलिए। बड़ी ना नुकुर के बाद राखी दीका जी अपने बेटे के साथ जाने को राजी हो गई। अरे घर आ गया, गाड़ी रोको तो नीता की बात सुन विक्रम वर्तमान में लौटा और गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। देखा तो माँ और मामा दरवाजे पर ही खड़े थे। गाड़ी से निकलती रसोई में क्या क्या पका, इसकी खुशबू सीधा नाक में पड़ने लगी। दाल बाटी सुरमा साथ में मूंग दाल का हवला, यही पकाया है ना माँ तुमने मेरे लिए, विक्रम अपने माँ के गले लगते हुए बोला। हाँ बिल्कुल सही पैसा ना, तेरी सटोरी जवानी इतना ही मेरे हाथों का स्वाद बाता है, तो जल्दी जल्दी गांव क्यों नहीं आता। माँ की झिड़की पाकर विक्रम जैब गया, आखिर क्या करता, जिस मिट्टी में जन्म लिया वह मिट्टी आज धूल बनकर आंखों में सूखती है।
इसलिए बात डालते हुए बोला, अम्मा जल्दी करो, बहुत भूख लगी है, क्या खुशबू से ही पेट भर लो। हंसते हुए सब घर के अंदर पहुंचे। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करने लगे। शाम को हरिया सेवक ने साई के साथ मेथी की मटरी, बेसन के लड्डू सजा दिए। वाह वाह, मजा आ गया, पेट भर गया, मगर मन नहीं भरा। ऐसे एक स्वादिष्ट व्यंजन में कितना लकी हूँ, अब मुझे ये सब खाने को मिलेंगे। नीता, तुम भी माँ से ये सब बनाना सीख लेना, ताकि माँ के हाथों का स्वाद कुछ तुम्हारे हाथों में भी आ सके। मुस्कुराता हुआ विक्रम बोला, हाँ मेरे हाथों में तो स्वाद है ही नहीं, अभी तक तो तुम पड़ोसियों के हाथ का ही खाना खाते रहे हो। मुझे जॉब पर भी जाना होता, वहाँ बैठकर मैं मटरी लड्डू नहीं बनाती बैठूंगी। अगर इतना ही पसंद था ये सब तो कर लेते, किसी अनपढ़ गांव की गवार से शादी वही बनाती तुम्हारे लिए। लड्डू पापड़ी मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, अरे बहू तुम गुस्सा क्यों होती हो, इसकी तो मजाक करने की आदतें सही कर रही हो। इतनी पट्टी लेके मार लो न, तुम क्यों बनाओगी। राधिका जी ने बात संभालते हुए कहा, बेटा मैं तो यहाँ गांव में बहुत खुश हूँ, सारे आस पड़ोसी रिश्तेदार यही रहते, और तेरे किशन मामा का परिवार भी यही है, मुझे तो यहाँ कोई परेशानी नहीं। मैं फिर कहती हूँ तुम लोग ही आया जाया किया करो, मैं यही रहूँगी बाबूजी के पास। अरे माँ तुमने फिर अपना नाटक चालू कर दिया, एक बार कहा ना तुम मेरे साथ सल रही हो तो सल रही हो, बस अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। विक्रम सिलाते हुए बोला, तो ठीक है, कल मैं कुछ सामान बांध लूंगी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। अगर तुम्हारे बाबूजी की कुछ यादें यहाँ से ले चलूँ तो। हाँ माँ तुम कैसी बातें करती हैं, तुम जो सौ रखो मैं सारा घर पैक करवा कर वहीं बुलवा लेता हूँ, एक किल नहीं छोड़ूंगा यहाँ। विक्रम माँ को मस्ता लगाते हुए बोल रहा था, पर नीता की आंखें देखकर वह डर गया, जो उसे शुभ रहने की सलाह दे रही थी। खाना खाने के बाद रात को राधिका जी ने सोचा, बच्चों को केसर वाला दूध देकर आती हूँ, सफर की थकान मिट जाएगी। मगर ये क्या, जैसी देरी पर उनका पैर पड़ा, उनके कानों में बहू की आवाज आई, विक्रम मैंने तुमसे कहा था ना कि हम सिर्फ माँ जी को यहाँ से लेकर जा रहे, कबाड़े को नहीं। देखा तुमने घर में माँ जी ने क्या क्या संभाल कर रखा, शेर शटर वाला टीवी, ट्रांजिस्टर रेडियो, जिसे हर कभी सलाह देती हैं, सही कुछ समझ में आए या ना आए। यहाँ तक ही कमरे में बाबूजी के कपड़े संपल चश्मा तक उन्होंने बाहर नहीं फेंका, और भी न जाने कितनी पेटियों में कबाड़ा भरा हुआ। ध्यान रखिए मेरे उस फैंसे घर में ये कैस कसरा बिल्कुल नहीं जाएगा, आखिरी बार कह देती हूँ और तुमसे नहीं बोला जाता तो मैं उनके मुंह पर बोलूँगी। आखिर मुझे किसी से डर नहीं लगता, गुस्से से तम तमा कि हुई नीता बोली। विक्रम बड़बड़ाते हुए बोला, भगवान के लिए धीरे बोलो, अगर मेरी माँ ने सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अगर वह बाबूजी का थोड़ा सामान यहाँ से ले चलती हैं तो इसमें बुराई क्या है, हम उन्हें वह मना कर सारा सामान स्टोर में रखवा देंगे, कुछ दिन बाद तो उन्हें भेज देना, कहानी खत्म। दोनों की बातें सुन राधिका जी और ज्यादा वहाँ और खड़ी ना रह पाई, अपने कमरे की तरफ धीमी कदमों से बढ़ गई। अगले दिन राधिका जी का एक सूटकेस लेकर तैयार कुर्सी पर बैठी थी। अरे माँ तुम तो कह रही थी काफी सामान लेकर चलोगी, राधिका जी बोली, बेटा बाबूजी को यहीं रहने दो, तुम्हारे पिता एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वो कभी नहीं सहेंगे कि उनके मरने के बाद भी उनकी बेकरदी हो, उनके सामान को कबाड़ कहा जाए और किसी स्टोर में रख कर कबाड़ी को बेच दिया जाए, इसलिए मैं साथी हूँ, उनका सारा सामान यही रहेगा और मैं भी यही रहना चाहती हूँ। लेकिन तेरे मन रखने के लिए कुछ दिनों के लिए तेरे साथ चलने को तैयार हूँ, मगर वापस यही आऊँगी। राधिका जी की बात सुन बेटा बहू दोनों एक दूसरे का मुँह देख सकते में आ गए, लगता है कल रात
वाली बातें हुआ ने सुन लिया। दोनों सिर झुकाए उनके सामने बैठे थे। हुआ ने आगे बोला, नीता बहू माना तुम्हें किसी से डर नहीं लगता है, मगर भगवान से तो लगता है। उनकी करनी तो सगर में ही सदी समय का पहिया घूमता है। जो हमें करेंगे वह हमें वापस मिलेगा, ऐसा सोचना सही। आज तुमने हमें और हमारे सम्मान को कबाड़ का, कल को तुम्हारा बेटा भी तुम्हें यही कहेगा। तुम मानो या ना मानो, बेटा एक गृहिणी घर की हर चीज को बड़े प्यार मेहनत और एक एक पाई जमा कर इकट्ठा करती है। कल को कोई आकर अगर उसे कबाड़ बोलता है तो उससे बड़ा गाँव कोई हो ही नहीं सकता। तभी अचानक अपनी सास की बात सुन अचानक नीता को याद आया, कुछ दिन पहले ही उसका बेटा अन्नी ने हॉल के डेकोरेशन को लेकर कितनी बातें सुनाई थी। असल में उसे राजस्थानी डेकोर बहुत पसंद है, कहीं भी जाती है अगर कुछ राजस्थानी ट्रेडिशनल उसे पसंद आ जाता तो जड़ से खरीद लेती। हॉल में कठपुतलियाँ, कांस वाले मोर, ऊंट के शोपीस, दीवान कवर, कुशन कवर, सोफा कवर, सभी कुछ लाल पीला सटंग रंग के। जिसे देख अन्नी बहुत गुस्से से बोला, ये समझ माता, ड्राइंग रूम बहुत बुरा लगता मेरे हर दोस्त ये घर एक से एक मॉडर्न सजावट है। जिसे देख मुझे जलन होती है। जिस दिन मेरी सली उस दिन सारा सामान कबाड़ी को बेच दूंगा और हल्के और मॉडर्न लुक से डिजाइन करवाऊंगा। तब अपने बेटे की बात सुन उसे भी बहुत गुस्सा आया था, मगर कुछ बोल नहीं पाई थी। आज अपनी सास की बात सुने उसे एहसास हुआ कि उन्हें भी कितना बुरा लगा होगा कि उनकी जोड़ी सीजों को उसने कबाड़ का। माँ जी मुझे माफ कीजिए, मैं शहरी समक दिमाग में कुछ ज्यादा ही खो गई थी, भावनाओं की कदर करना भूल गई हूँ। मगर आपने आज एहसास कराया कि सीजों के साथ लगाव कितना गहरा होता है। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आज जो साथी हैं वो आप हमारे साथ लेकर चलिए, मुझे कोई अंदराज नहीं है। बहू सब में गलती तुम्हारी भी नहीं है, बेटा भी तो सामान की बेकरदी होकर कह रहा था, इसलिए मैं यहाँ से कोई सामान नहीं ले जाने वाली। विक्रम ने भी माँ की भावनाओं को बुरी तरह सोटिल किया था, इसलिए माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ मुझे माफ कर दो और आप जो सब यहाँ से लेकर चलो, वरना मुझे लगेगा आपने मुझे माफ नहीं किया। तो ठीक है, अगर तुम ये इतना ही कह रही हो तो मैं सिर्फ बाबूजी द्वारा दीदी से लाया गया 2-in-1 से गैस लूंगी, जिसमें रेडियो प्रसारण भी होता और कैसेट लगाकर मन से गाने भी सुन सकती हो। और कुछ कैसेट हमने रिकॉर्ड भी की थी हमारे बेसुरे गानों की, वो भी अकेले में सुन लिया करूंगी। अपनी सांस की बात सुन नीता बोली, ये तो बहुत बढ़िया बात है माँ जी, आप और बाबूजी गाना गाया करते थे, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं आपको हमारी सोसाइटी में चलते म्यूजिक क्लास में दाखिला दिया करूँगी, आप गाने की और अच्छे से प्रैक्टिस करना और इसी टेप रिकॉर्ड में अच्छे अच्छे गाने रिकॉर्ड कीजिएगा। माँ जी बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पैसों के नशे में भावनाओं का मूल भूल गई थी, अब आप साथ रहेगी तो आपकी शिक्षा मुझे हर कदम पर राह दिखाती रहेगी और आगे ऐसी कोई गलती करने से रोक देगी। आंसू पोंछते हुए राधिका जी ने बैग में मोहन जी की फोटो रखी और अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देते हुए नए सफर पर उनके साथ चलने पड़ी।